ओए क्लास क्लास मिनी माइथो के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि श्री गणेश जो हैं उनका वाहन चूहा कैसे बना। अरे दल मैं भी यही सोचता रहता हूँ दल, ये गणेश जी तो इतने भाली बलकम है, गोल मटोल है, और उनका भाल वो चूहा कैसे झेल लेता है दल? कोई और चूहा होता हो तो पिचक जाता। बिल्कुल सही बात है बेटा, पर गणेश जी का जो है वाहन चूहा है, ये पहले चूहा नहीं था, ये पहले एक इंसान था जिसकी मैं आपको अभी स्टोरी बताऊंगा। तो बात तब की है जब राजा इंद्र के दरबार में परोच नाम का एक गंधर्व था। तो एक बार क्या होता है, इंद्र जी किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन क्रॉच जो है वो बड़ा चंचल आदमी होता है, वो किसी और ही मूड में था। उसने वहां अप्सराओं को देखा और उसका दिमाग हिल गया, वो उनसे फ्लर्ट करने लग गया। अब जैसे ही इंद्र का ध्यान उस पर गया तो इंद्र जी ने सोचा भाई यहाँ इतनी सीरियस मीटिंग चल रही है और यहाँ फ्लर्ट करने में मस्त है। उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो उसको चूहा बन जाने का श्राप दे देते हैं। लेकिन अब क्रॉच जो है भाई वो आदमी से चूहा बना था, उसका अपीयरेंस तो बदल गया पर उसका स्वभाव कैसे बदलता? तो क्या होता है, क्रॉच जो है बहुत ही बलवान चूहे के रूप में पराशर ऋषि के आश्रम में आके गिर जाता है और वहां आते ही वो भयानक उत्पात मचा देता है। आश्रम के सारे मिट्टी के बर्तन तोड़ देता है, वहां का अनाज खत्म कर देता है, आश्रम के गार्डन को उजाड़ देता है, वहां ऋषियों के सारे कपड़े कुतर देता है और जो उनके वेद पुराण उनकी जो किताबें जो पढ़ रहे होते हैं उन सबको कुतर के फाड़ देता है। पर आश्रम की सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है इनके नष्ट हो जाने के कारण जो है पराशर ऋषि बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसते हैं। मैंने ही पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे कि ये चूहा कैसे तहस नहस कर रहा है, अब इस चूहे के आतंक से कैसे निजात मिले। तो पराशर ऋषि जो है वो गणेश जी की शरण में जाते हैं और कहते हैं जी कुछ उपाय करूं। तो गणेश जी पराशर जी को कहते हैं ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मैं इस मूषक को अभी अपना वाहन बना लेता हूं। और गणेश जी जो है वो अपना तेजस्वी पाश जो है वो फेंकते हैं और जो पाश जो है उस चूहे का पीछा करता हुआ पाताल तक जाता है, उसे गले से बांध के घसीट के बाहर निकाल के सीधा का सीधा गणपति जी के आगे फेंक देता है फटा। और इतने सारे एक्शन के बाद क्या होता है, चूहा जो है वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसी उसकी आंख खुलती है वो गणेश जी को देखकर उनकी तपस्या उनकी आराधना शुरू कर देता है और उनसे अपने प्राणों की भीख मांगता है। अब गणेश जी भी जो है उनको सबका देखना है भाई, वो चूहे की अपने प्रति श्रद्धा देख के उसकी भक्ति देख के बड़े खुश होते हैं। लेकिन वो उसको ये भी कहते हैं कि भाई देखो तुमने ब्राह्मणों को बहुत परेशान किया है, तो मेरा काम ये है कि मैं दुष्टों का नाश करता हूँ और अच्छे लोगों का कल्याण करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो मेरी पूजा अर्चना करता है, जो मेरा पाठ करता है, जो मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा करना भी मेरा धर्म है। तो एक काम करता हूँ, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो वरदान देने को तैयार हूँ। तो गणेश जी की बात सुनकर चूहा जो है उसको बड़ा अहंकार आ जाता है, वो सोचता है अरे इतने पंगे करने के बावजूद भी भगवान गणेश मुझे वरदान दे रहे हैं, मेरी बात मानने को तैयार हैं, इसका मतलब मुझ में कुछ तो बात होगी, शायद ही मुझसे डर गए। और ऐसा सोचने के बाद वो गणेश जी को बोलता है कि देखिए मुझे तो आपसे कुछ नहीं मांगना है, आप चाहें तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो चूहे की ये गर्व भरी बात सुनकर गणेश जी मनी मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारा वचन सत्य है तो एक काम करो, तुम मेरे वाहन बन जाओ। और चूहा बोलता है तथास्तु। और जैसे ही वो तथास्तु बोलता है गणेश जी उसके ऊपर भम्म करके बैठ जाते हैं। तब भारी भरकम गणेश जी के भार से दबकर जो है उस चूहे की हालत खराब हो जाती है, उसके प्राणों पे बनाती है। तो गणेश जी के हाथ जोड़कर बोलता है कि अरे गणेश जी बस एक काम कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बस इस लायक बना दो कि मैं आपका भार सहन कर पाऊं। आपने मेरे गर्व को चूर कर दिया है, आपने मेरे पे थोड़ी सी दया कर दिखाई, मैं तो खुद को आपसे बड़ा समझने लग गया, मुझे क्षमा कर दो। तो गणेश जी देखते हैं कि भाई इसका गर्व तो चूर हो ही चुका है और इसे मैंने अपना वाहन बना ही लिया है, तो चलो इसे इतना बल दे देता हूँ कि ये मेरे भार को उठा सके। और इस तरह गणेश जी ने चूहे के इस अहंकार को चूर करके उसे अपना वाहन बना लिया और वो उनका अब प्रिय वाहन कहलाता है। तो इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? अगर हमसे कोई बला हमारी गलतियों को भूल झमट के माफ कर ले तो हमें उसकी बात का आदर करना चाहिए, नहीं तो वो इंसान फादल बन के हमारी बहुत पिटाई करेगा। शाबाश।